नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में हुए अरबों की जमीन खरीद फरोख्त के मामले में अब एक नया अपडेट आ चुका है। FIR इसमें दर्ज हुई थी। इसमें नरेंद्र कुमार नाम के जिस शख्स का नाम शामिल है, जो कि त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एसोसिएट है। इस कंपनी में दो डायरेक्टर हैं, एक साधना राम और दूसरे अनिल राम। इन दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी, जिसके बाद दोनों को 1,00,000 के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इनके वकील ने कोर्ट में ये पक्ष रखा कि दोनों की उम्र 70 साल के पार हो चुकी है और इस उम्र में ये ऐसे अपराध नहीं करेंगे, मतलब सभी आरोपों से सिरे से नकार दिया है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में कई किसानों की पट्टे की जमीन को भूमाफिया यशपाल तोमर ने कई सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से हत्याया और आपस में सबने लाभ कमाया। कितनी आपकी जमीन थी, किसने कब्जाई, कैसे कब्जाई? यशपाल तोमर ने कब्जाई, आवास के पट्टे थे 671 नंबर में। हमें जेल भेजा गया जमीन लेने के लिए, 2.25 बीघे जमीन को, या जमीन दे दो हमें नहीं तो जेल भेजेंगे तुम्हें। पिस्टल दे दिखा, उठा उठा का परान कर कर जेल भेजा रहे। कैसे अच्छा लगाए थे आप, कहाँ भेजा था जेल? एक को बड़े भाई है महेंद्र सिंह, उसे बठिंडा भेजा, एक को हनुमानगढ़ रिपोर्ट दर्ज, हमें दिल्ली कश्मीर गेट कैच का रिपोर्ट दर्ज है। कितनी जमीन थी आपकी? 2.25 बीघे। और लोगों पे भी मुकदमे कराए? बहुत आदमी मुकदमे दर्ज। शिकायत नहीं करी आपने कभी? बहुत शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं होती किसी में। इस मामले में 22 मई को ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में FIR दर्ज हुई, जिसमें 9 लोगों के नाम शामिल हुए, जिनमें से 3 के कनेक्शन उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स से बताए जा रहे हैं, जिसके बाद अब विपक्ष भी इस मामले में BJP पर हमलावर हो गई है। बहुत ही हतप्रभ करने वाला मामला कल देर शाम सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने दादरी में FIR दर्ज की है और जिन लोगों के नाम FIR में हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें उत्तराखंड के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और 2 IAS अधिकारी और 1 IPS अधिकारी है और उनके परिजन इसमें शामिल हैं FIR की लिस्ट में। और कहीं ना कहीं इनके तार यशपाल तोमर, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक अरबों करोड़ों की संपत्ति वाला व्यक्ति है, भूमाफिया है, उसके नाम या उसके साथ उनके तार जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम का नाम इसमें है, उसके अलावा DIG राजीव स्वरूप के माताजी का नाम इसमें है और मीनाक्षी सुंदरम जी के ससुर जी M भास्करन जी का नाम इसमें है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संत साहब के पिताजी का नाम इस FIR में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मामला बहुत गंभीर मामला है। अनुसूचित जाति के साथ दबाव बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है, उनकी ज़मीन को जबरन हड़पने का प्रयास किया गया है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से उत्तराखंड की राजनीति और शासन प्रशासन में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। विपक्ष के अनुसार यहां पर FIR में जो नाम शामिल हैं, M भास्करन का पहला नाम, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ससुर हैं। एक और नाम है KM संत का, जो कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ब्रजेश संत के पिता बताए जा रहे हैं। और तीसरा नाम है सरस्वती देवी का, जो कि राजीव स्वरूप की मां बताई जा रही है। राजीव स्वरूप जो कि उत्तराखंड में DIG हैं और बताया जा रहा है कि हरिद्वार में 2 बार SSP यानी कप्तान भी रह चुके हैं। आपको यहाँ बता दें कि कुछ दिन पहले यशपाल तोमर की करोड़ों की संपत्ति हरिद्वार में जब्त की गई थी। वहीं एक नाम नरेंद्र कुमार का FIR में है, जो कि साधना और अनिल राम की कंपनी में एसोसिएट है। साधना राम और अनिल राम पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समधी बताए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में हलचल हो गई है। एक निजी वेबसाइट में छपे मुताबिक जब विजय बहुगुणा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में किसी की भी जो संपत्ति UP में नहीं है और साधना और अनिल राम बिजनेसमैन लोग हैं। वहीं BJP का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भाजपा सरकार काम कर रही है और उसी का ये नतीजा है। जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए गए हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जीरो टॉलरेंस की नीति है और नोएडा मामले में जो कार्रवाई हो रही है वह उसी नीति का परिणाम है। इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है, चाहे वे माफिया हों या कोई और हों, चाहे कितने प्रभावशाली हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं। वही इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक यानी DGP अशोक कुमार ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड पुलिस भी नजर बनाए हुए और जिसमें अभी तक ये कहा जा सकता है कि मामला नोएडा का है और कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। देखिए,
जो उत्तराखंड में जो केसेस दर्ज हैं वो हरिद्वार में दर्ज हैं, एक थाना कनखल में है और एक जो थाना ज्वालापुर में है, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, एक्सटोर्शन करना, उस तरह के उसमें धाराएं लगी हैं 384 वगैरह की। तो उसी की विवेचना जो है एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई थी, उसमें उसने एसटीएफ ने विवेचना से काफ़ी इसमें बड़ी जो है गुंडागर्दी और भूमाफिया गर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था, उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके डीएम हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर करने के लिए एसटीएफ ने भेजा था। ठीक है, बाकी जो कार्रवाई आप बोल रहे हैं वो नोएडा के प्रशासन और पुलिस ने की है, उसके संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला है और कानून अपना काम कर रहा है। क्या कुछ और उन्होंने कहा ये सुनिए। उत्तराखंड के दो आईएएस और एक आईपीएस के सगे संबंधियों के नाम आ रहे हैं सर, इस तरीके का मामला कुछ संज्ञान में आपके आया है, अगर ऐसा होता है तो सर किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया वहाँ पर हो रही है, पीछे करना, पीछे करके हम अपना काम करें और हमारे प्रदेश से संबंधित। खैर, इस मामले में जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं उनके कनेक्शन उत्तराखंड के आईएएस और बड़े बड़े आईपीएस और साथ ही नेताओं से होने से उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स की कुर्सियां यहां पर हिल गई हैं और सियासत में भी हलचल आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जो जांच की आंच है और कहां तक फैलती है, कहां तक जाती है। हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौर और अंकित शर्मा की रिपोर्ट।